हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक कितने हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, और सबसे पहले कौन राष्ट्रपति बना था हमारे देश में, चलिए आज उनको हम जानते हैं और देखते हैं कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इससे पहले कि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा वी गिरी, पांचवा न्याय हिदायतुल्ला, छठवा क्या कौन थे फरुखदीन अली अहमद, सातवा बी डी जत्ती, आठवा नीलम संजीवा रेड्डी, नौवा ज्ञानी जैल सिंह, दसवा आर वेंकटन रमन, ग्यारहवा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बारहवा के आर नारायणन, तेरहवा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और चौदह प्रतिभा पाटिल, 15 प्रणब मुखर्जी, और छठवा जो आज रामनाथ कोविंद है, आज जो 16 राष्ट्रपति बने। तो आज देखे कि कितने हमारे देश में राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक। तो चलिए कुछ आज हम प्रधानमंत्रियों के नाम भी जानते हैं, जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा गुलजारी लाल नंदा, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा मोरारजी देसाई, छठवा चरण सिंह, सातवा राजीव गांधी, आठवा विश्वनाथ प्रताप सिंह, नौवा चंद्रशेखर, दसवा PV नरसिंह राव, ग्यारहवा अटल बिहारी वाजपेयी, बारहवा HD देवगौड़ा, तेरहवा इंद्र कुमार गुलजार, चौदह डॉक्टर मनमोहन सिंह, 15 नरेंद्र मोदी, जो एक बार नहीं दो बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके। तो आज हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देखा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं। तो हमने ये आज देखा है और उनकी तस्वीर से पहचाना है कि कौन कैसे दिखते थे। तो आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम को मैंने बताया आप लोगों को, तो आप भी इनको देखिए और जानिए कि हमारे देश की कितने नंबर पे राष्ट्रपति और कितने नंबर पे प्रधानमंत्री के नाम पे कौन आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।